Good morning everyone. In the last class we have completed our fourth lesson of civics, understanding laws. Now we are going towards the third lesson of geography, that is mineral and power resources. First of all, we are supposed to know what are minerals. It means in the very beginning we are going to discuss about the definition of minerals. There was an example given in it. One girl visited a village of her friend nearby Dhanbad, Jharkhand. Jharkhand का एक गांव है, Jharkhand में एक शहर है Dhanbad, उसके नजदीक का गांव है, उसे विजिट करती है लड़की. Name is given Kiri. When she visited there, she found most of the things are black around that particular environment. उस वातावरण में आसपास देखा तो ज्यादा चीजें काली थी. Then she asked हर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछा कि ऐसा क्यों है यहां. तो उसके बाद उसका दोस्त जो रिस्पॉन्स देता है वो बोलता है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइनिंग ऑफ मिनरल कोल. जो हमारे पास एक खनिज पदार्थ है कोयला, उसकी माइनिंग होती है या खनन होता है या निकाला जाता है, उसकी वजह से ऐसा है कि यहाँ चारों तरफ इस प्रकार की कालिक या कालीमा या ये जो हमारे आसपास जो कलर है इस प्रकार का दिखाई देता है. अब वो बच्ची पूछती है कि व्हाट इज ए मिनरल, मिनरल है क्या. अब उसने फिर एक एग्जांपल से समझाया कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू हैव बिस्किट एट होम, कि हम जब घर पर बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट किस चीज से बना है. फ्लोर इज देयर, शुगर इज देयर, मिल्क इज देयर एंड समटाइम एग्स आर देयर. अब जब बिस्किट बनता है उसके अंदर आटा भी लगता है, शुगर भी लगता है, मिल्क भी लगता है, तो उसके साथ कई बार कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोगुलेशन के लिए टू एज ए बाइंडिंग एजेंट अंडा भी इस्तेमाल होता है. लेकिन जब हम बिस्किट खाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. तो हमें अलग दिखाई नहीं देती कौन सा आटा इसमें इस्तेमाल किया गया, शुगर इसमें अलग से दिखाई नहीं देती, मिल्क इसमें अलग से, हमें कंबाइंड एक बिस्किट ही दिखाई देता है, चाय सारी चीजें दिखाई नहीं देती. तो उसने उसे एग्जाम्पल समझाया जिस प्रकार बिस्किट में बाकी चीजें नहीं देख पाते लेकिन है तो इंक्लूड, उसी प्रकार हमारे पास जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनके अंदर बहुत प्रकार के मिनरल्स हैं, बहुत प्रकार के मटेरियल हैं, जो कि उन रॉक्स को बनाने में शामिल है, बनी है वो रॉक्स उससे, और वो सारे मिनरल्स हैं. अब उसमें दे रखा था कि एक रॉक्स में कई प्रकार के मिनरल्स भी हो सकते हैं. तो ये था कि द रॉक्स हैव मिनरल्स, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था. अब उसके अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, मिनरल्स आर द सब्सटेंस विच हैज ए फिक्स केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स क्या है जिसके बारे में हम प्रॉपर ये बता सके, मिनरल्स का टेस्ट कैसा होगा, कलर कैसा है, ये इस प्रकार का मिनरल होगा, एक केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स है कि एक मिनरल में क्या क्या चीजें होंगी वो उसी मिनरल में मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ ऐड तो हो सकता है, उसके साथ कुछ ऐड हो गया तो दूसरा मिनरल चेंज हो जाएगा, लेकिन एक मिनरल का नाम हमने एक जैसा दे दिया, उसकी केमिकल कंपोजिशन एक ही मिलेगी. तो मिनरल्स की डेफिनेशन क्या थी, एनी सब्सटेंस विद ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन. अब उसमें हमारे पास ये मिनरल्स हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसा, नहीं है कि हम राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ में खोदना शुरू करें तो कोयला मिल जाएगा, या फिर आयरन ओर मिल जाएगा, या फिर हमारे पास गोल्ड या सिल्वर मिल जाएगा. हर जगह नहीं पाई जाती है, हर जगह की हमारे यहां प्रोसेस कैसा रहा है. इसमें एक वर्ड आया है जियोलॉजिकल. अब इसमें इट इज द एनवायरमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके नीचे क्या कुछ बदलाव होते हैं, किस प्रकार का एनवायरमेंट है, क्या कुछ हमारा टेम्परेचर है, उसके अंदर कितना प्रेशर है, उसके अंदर सारी चीजें बनती है. तो नीचे के एनवायरमेंट में उसी अनुसार ये सारी चीजें बनती है. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी चट्टान में कौन सा बनेगा, इन विच टाइप ऑफ रॉक विच मिनरल विल बी फाउंड, किस प्रकार के टेम्परेचर में वो बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कहां कितना कैसा क्लाइमेट है, किस प्रकार का टेम्परेचर, रॉक्स फॉर्म कैसी है, उस पर डिपेंड करता है. इसलिए हर मिनरल हर जगह नहीं पाया जाता, दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. अब इसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे आगे डिटेल में ज्यादा आएगा कि हमारे पास ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स किस में पाए जाते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और हमने पढ़ा था इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज्यादातर प्लेट्यूज वाला रीजन है, उसमें पाई जाती है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ज्यादातर हमारे यहां जो
फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल बेस्ड मिनरल का फॉर्म है, पेट्रोलियम मिनरल का फॉर्म है, ये इस प्रकार के मिनरल कहां पर, सेडिमेंटरी रॉक्स में। सेडिमेंटरी ज्यादा तो प्लेन्स वाला बेल्ट हमारा है, तो हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स है, वो किसे बने, सेडिमेंटरी से बने, तो उस साइड पाया जाएगा। तो डिपेंड करेगा किस प्रकार के रॉक्स में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो रॉक्स का है उसके अनुसार डिपेंड करेगा कौन सा किस एरिया में पाया जाएगा। अब हमारे यहां जो मिनरल हमने पढ़ा है तो इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है, हर जगह बराबर नहीं है, कौन सा मिनरल कहां पाया जाएगा डिपेंड करेगा कि वहां की रॉक्स फॉर्म कैसी है, वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां का प्रेशर कैसा रहा है, एंड व्हाट एवर इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मिनरल्स, हमारे कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं, तो इसमें हमने बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स आते हैं, हम दो भाग में बांटते हैं इसको, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक विच आर मेटल हार्ड सब्सटेंस, जो हमारे पास हार्ड सब्सटेंस है मेटल के फॉर्म में है, उसमें चाहे हमारे पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, गोल्ड सिल्वर, ये सारे क्या है, ये मेटेलिक मिनरल्स है। और नॉन मेटेलिक विच डोंट हैव एनी मेटल, जिसके अंदर कोई मेटल हार्ड नहीं है हमारे पास, वो चीजें उसमें अगर हम पढ़े तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर है, माइका है, जिप्सम है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे पास अभी कुछ देर पहले मिनरल फ्यूल्स की बात कर रहे थे, चाहे पेट्रोलियम है वो फ्यूल, वो क्या है, तो मिनरल्स ही, लेकिन वो मेटेलिक फॉर्म में नहीं है, मेटल नहीं है वो, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये हमारे पास नेचुरल गैस है, ये सारे क्या है हमारे पास नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, मेटेलिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस विच कंटेन आयरन, फेरस वो है हमारे पास मेटेलिक मिनरल्स है, मेटल तो है ही लेकिन उनमें आयरन कंटेंट है, कुछ परसेंट आयरन कंटेंट है। अब इसमें एग्जांपल की बात करें तो आयरन और बॉक्साइट मैग्नीज। अब बॉक्साइट का अगर हम दूसरा बात करें तो ये इट इज द बेसिक रॉक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट जो है हमें इससे एल्यूमिनियम मिलता है, तो आप इसको एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं। तो आयरन और ये जो हमारे हैं फेरस में कुछ कंटेंट आयरन का है, और नॉन फेरस इसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर इनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, तो नॉन फेरस, यानी फेरस वो विच हैज सम आयरन कंटेंट और नॉन फेरस विच डोंट हैव एनी आयरन कंटेंट, इसके अंदर आयरन नहीं है। अब एक वर्ड और देखो, आयरन के साथ ओ आर ई और लगा हुआ है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। वेन द मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विद द मिक्सर ऑफ सैंड अदर पार्टिकल्स एज वेल एज अदर मिनरल्स, एक ही रॉक में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था वन सिंगल रॉक कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, कई प्रकार के हो सकते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट रॉक मेटल्स आते हैं और सेडिमेंट्स भी हैं और पार्टिकल्स भी एडिड है, यानी वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, सीधा रॉक फॉर्म में जो निकाला गया वो क्या है और, यानी किसी भी अगर हमने हमारे मेटल या मिनरल के साथ और लगा दिया, इसका मतलब ज्यादातर मेटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको प्योरीफाई नहीं किया है, वी हैव टेकन इट आउट एज यूजुअल व्हाट एवर इट वाज इन द अर्थ क्रस्ट, जैसा अर्थ क्रस्ट था वैसे का वैसे निकाल लिया, इसलिए तब तक हमने उसको आयरन बोला, जब तक कि वो मिक्सर के साथ है, यानी रॉक के अंदर है तो आयरन और है, यानी कोई मेटल इसके साथ और लग गया, इट मींस इट इज इनसाइड द रॉक, और इफ यू हैव टेकन इट इज नॉट प्योरीफाइड, प्योरीफाई नहीं किया गया, इट इज है जो उसके साथ अंदर मिनरल्स मिक्स है या फिर कोई सेडिमेंट्स मिक्स है, पार्टिकल्स मिक्स है उसके साथ ही है, तो ये ओर के तौर पर। तो ये थे हमारे पास पहला मिनरल्स, तो मिनरल्स की हमने पढ़ा कि हमारे पास एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था कि रॉक्स हैव मिनरल्स, जितने हमारे पास चट्टानी अर्थ क्रस्ट में उनके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सर है जो मिनरल्स के फॉर्म में, लेकिन उसके अलग एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है किस प्रकार की रॉक फॉर्म होगी, किस प्रकार का क्लाइमेट होगा, किस प्रकार का टेम्परेचर होगा, किस प्रकार का प्रेशर होगा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा मिनरल कहां बनेगा, इसलिए हर जगह बराबर नहीं पाए जाते। आप इसका एग्जाम्पल पढ़े तो आपके यहां कॉपर खेतरी जो झुंझुनू, जिसको हम कॉपर सिटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बाकी जगह तो नहीं है वो, उसी प्रकार अगर माइका की बात करें जो कि नॉन मेटेलिक है, आपके अजमेर में बहुत होता है लेकिन यहां लक्ष्मणगढ़ में तो नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, किस प्रकार के हमारी एनवायरमेंट अर्थ क्रस्ट के नीचे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दो प्रकार के हैं, मेटेलिक जो मेटल्स हैं चाहे आयरन है, कॉपर है, टिन है, व्हाटएवर इट इज, उसके बाद नॉन मेटेलिक व्हिच डोंट हैव एनी मेटल, उसके अंदर कोई मेटल हार्ड सब्सटेंस नहीं है,
और मेटलिक मिनरल्स की एक खासियत और है, दे हैव ए फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, कि उसका कलर कैसा होगा, उसके बाद लस्टर और साइन, उसकी चमक कैसी होगी, तो ये मेटलिक मिनरल्स की है। अब उसके बाद हमने पढ़ा मेटलिक को दो हिस्सों में बांट दिया, फेरस और नॉन फेरस, फेरस विच हैज आयरन कंटेंट, नॉन फेरस विच डोंट हैव आयरन कंटेंट। उसके बाद हमने पढ़ा जो ओर वर्ड ही क्या है, इट ऑलवेज इंडिकेट द रॉ फॉर्म, ये हमेशा रॉ फॉर्म को दर्शाता है किसी भी मिनरल्स की, कि हमारे पास जो भी हमने मिनरल निकाला है इट इज इन द रॉ फॉर्म और मिक्स विद अदर मेटीरियल्स और मिनरल्स और अदर सेडिमेंट्स और पार्टिकल्स, और चीजों के साथ मिक्स है, वो प्योरीफाई नहीं किया गया, वो रॉ फॉर्म को दर्शाता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंसिडर अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दीज ऑल मिनरल्स, हम किस प्रकार मिनरल्स को निकालते हैं, व्हाट द डिफरेंट फॉर्म्स, उसमें हम पढ़ेंगे माइनिंग है, माइनिंग के भी अलग अलग पार्ट है, ओपन माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग है, सॉफ्ट माइनिंग है, उसके बाद ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है। We are going to discuss all these in the next class. Thank you very much.